सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 24 फरवरी। भक्त और परमात्मा एक रूप ही होते हैं। हमारे हाथ से बार बार गलतियां होती रहती हैं, ऐसा हम कहते हैं। छोटा बच्चा चलते समय लड़खड़ाता है, गिरता है या बोलते समय तुतलाता है तो उसके माँ बाप उसे देख आनंद से अचंभित होते हैं। उसी तरह तुम्हारी गलतियों से मुझे विस्मय होता है और तुम्हारी गलतियों को सुधारने का प्रयास मुझे अचंभित करता है, आनंदित करता है। इसलिए आपको शंकित होने का कोई कारण नहीं है। यदि गुरु ने एक बार कह दिया कि तुम्हें पिछली सभी गलतियां भूल जानी चाहिए, पुनश्च ऐसी गलतियां मत करो, तो शिष्य को ये वचन सत्य समझना चाहिए। हमारी जो गलतियां होती हैं, उनका परिमार्जन नाम ही कर सकता है। सभी प्रकार की व्याधियों पर भगवान का नाम ही रामबाण औषधि है। नाम स्मरण रूपी दवा बूंद बूंद पेट में जानी चाहिए। कार्यालय में भी आप इसे ले जा सकते हैं। विद्वान, अनाड़ी, धनी, गरीब सबके लिए ये दवा समान गुणकारी है। जो ये दवा खान पान के नियमों का पालन कर लेते हैं, उसे इसका शीघ्र लाभ होता है। यदि कोई बालक जिद कर बैठा कि मैं कुएं में कूदूंगा, तो पिता को क्या उसका हट पूरा करना चाहिए या उसे समझा बुझाकर आवश्यक हो तो थप्पड़ मारकर वहां से हटाना चाहिए? उसी प्रकार तुम विषय वासना के लिए हट करते हो। सच्चा भक्त कभी भी दुखी या परेशान नहीं होता, हमेशा जीवन में समाधान मानता है। फिर वो कितना भी गरीब या व्याधिग्रस्त क्यों न हो, यदि किसी सामान्य व्यक्ति को अपेक्षित वस्तु नहीं मिलती तो वो दुखी होता है। भक्त को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो दुखी नहीं होता। वो और परमात्मा एक रूप ही होते हैं। जो इच्छा परमात्मा की होती है वो ही उसकी होती है। सगुण की भक्ति करते करते वो अहम को यानी मैं को भूल जाता है। मैं नहीं हूं, तू ही है, मेरा नहीं तेरा ही अस्तित्व है, ये भावना दिन ब दिन दृढ़ होती रहती है। अंत में मैं मिट जाता है, क्रमशः राम कृष्ण भी मिट जाते हैं और शेष रहता है केवल परमात्मा। बीमारी हट जाने के बाद मरीज लकड़ी के सहारे चलता है। उसी प्रकार गृहस्थ को सगुण भक्ति के सहारे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। जिसमें देह बुद्धि है वो सगुण के सिवाय भक्ति कर ही नहीं पाएगा। भगवान को हमें कहना चाहिए कि हे भगवान, तेरी कृपा हो, और कृपा का मतलब अखंड नाम स्मरण, और मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इस आधार से ही भक्ति भावना निर्माण होगी। भगवान के सिवा अन्य किसी में भी समाधान नहीं है। जो भगवान का हो गया, अर्थात जो नाम स्मरण में लीन हो गया, वो जीवन से कभी उबेगा नहीं। परमात्मा को गृहस्थी का रूप देने के बदले हम गृहस्थी को परमात्मा का रूप बनाएं। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।